माधवेंद्रपुरी ने सुना और माधवेंद्रपुरी भागना चाहते थे लेकिन वो रुक गए वहां पर। और पुजारी वो पात्र क्या पकड़ा था, रोता जा रहा है इतने सालों से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सुबह शाम उठ के, मुझे कुछ नहीं मिला, इतने बड़े भक्त थे। और उन्होंने जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको बोला गोपीनाथ जी ने तुम्हारे लिए ये पात्र छुड़ाया है, ये लो खीर। और जैसे माधवेंद्रपुरी सुनते हैं वो इतना रोते हैं और रोते रोते उस पात्र को लेकर चल देते हैं और थोड़ी थोड़ी उसमें से खीर खाते रहते हैं। और वो जो पात्र भी है उसको भी फेंकते नहीं है, अपने कपड़े में लपेट कर रख लेते हैं कि मेरे गोपीनाथ जी ने इसको अपने हाथ से उठाया था, फेंकूंगा नहीं, इसको भी खाऊंगा। और थोड़ा थोड़ा वो भी तोड़कर खाते हैं क्योंकि वो पात्र गोपीनाथ जी ने उठाया, ये कृष्ण ने उठाया। तो जैसे उनको ये पता चलता है कि पूरे सब ब्रज मतलब पूरे उड़ीसा वालों को पता चल जाएगा, तभी माधवेंद्रपुरी वहां से जगन्नाथपुरी चंदन लेने चले जाते हैं। और जैसे ही चंदन लेने जाते हैं और भगवान के भक्तों का गुणगान ना हो तो भगवान गाएंगे फिर। तो माधवेंद्रपुरी जी के जगन्नाथपुरी में पहुंचने से पहले ही खबर फैल जाती है कि गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। और वहां पर जाते ही उनका इतना सम्मान इतना गुणगान होता है, माधवेंद्रपुरी कहते हैं ये तो गलत है, मतलब मेरा गुणगान हो रहा है, गोपीनाथ जी का होना चाहिए। वहां से वो चंदन लेते हैं, 40 किलो चंदन मलय चंदन लेकर आते हैं। तो वो राजा कहते हैं जगन्नाथपुरी के कि कैसे लेकर जाओगे, तुम तो भक्त हो। वो अपने दो मंत्रियों को भेजता है, अपने जो नौकर होते हैं उनको भेजता है, जाओ चंदन उठाओ और जाओ इनके साथ लेकर। तो जैसे ही वापसी आ रहे होते हैं तो दोबारा गोपीनाथ जी का मंदिर आता है रास्ते में। तो जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तभी गोपीनाथ जी उनको स्वप्न देते हैं, रोक कर कहते हैं तुम इतना परेशान मत हो, इस चंदन को मुझे यहीं पर लगा दो, यही चंदन आप मुझे यहाँ लगाओगे वहां गोपाल जी को पहुंच जाएगा। तभी माधवेंद्रपुरी लीला शुरू हो जाती है उसी दिन से। और अपने प्रेममय हाथों से वहीं पे चंदन घिसकर गोपीनाथ जी को लगाते हैं। इसलिए ये इस्कॉन में बहुत बड़ी लीला है कि 21 दिन के लिए लगातार अब आप इस्कॉन मंदिर जाएंगे, किसी भी वृंदावन मंदिर में, अशोक कैलाश मंदिर में, छिपीवाड़ा मंदिर में, आपको कृष्ण काले नहीं दिखेंगे। अभी 21 दिन आपको काले नहीं दिखेंगे, आप ये मत सोचना गोरे हो गए, 21 दिन के लिए हुए हैं। 21 दिन के लिए भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। अभी मेरे पास आज छिपीवाड़ा मंदिर की अभी फोटो आई है, बहुत सुंदर, मैं आपको डाल दूंगा, आप दर्शन कीजिए। और एक फोटो फोन में नहीं देखना है, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाकर आप जरूर चंदन यात्रा के दर्शन करें और प्रेम से अपने हाथों से 2 मिनट के लिए चंदन गिरे, क्योंकि जो भगवान